हम यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारी आबादी 40% है, तो 40% के हिसाब से हमारा 100 विधायक होना चाहिए। आप खुद ही बताइए, क्या अति पिछड़ों का यह 25 से ज्यादा विधायक है? इस मेमोरियल हॉल को भरने का काम करें और मार्च में गांधी मैदान में ऐसी चट्टानी एकजुटता दिखाएं कि सरकार की चूल्हे हिल जाए और सरकार को अति पिछड़ा के बारे में सोचने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम कांत। के अचानक प्यार की राजनीति गर्मा गई है, बड़ा उलटफेर हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि शोषित वंचित अति पिछड़ा वर्ग समाज के तमाम लोगों का महाजुटान राजधानी पटना में 2 दिसंबर को किसने किया यह बड़ा ऐलान, तमाम बातें हम विस्तार से बताएंगे। और कैसे बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा गूंजने वाला है और नारा गूंजने लगा है, महाजुटान हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में 40% आबादी है अति पिछड़ों की, आजादी के 77 साल बाद भी अति पिछड़ों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज जिस तरीके से पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जिसके 80% घटनाओं में कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ये समाज अंतिम पायदान पे है। सिर्फ एकजुट होने की ज़रूरत है, इसलिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है, आग्रह है कि हम एकजुट हों, एकजुट होके 2 दिसंबर को किस मेमोरियल हॉल में आएं और अभी से हम लोग मार्च तक पूरे बिहार में रथ यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, सभी तरह के माध्यमों को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अति पिछड़ा भाइयों को एकजुट करके 2 दिसंबर को गांधी मैदान में और 2 दिसंबर को किस मेमोरियल हॉल में और मार्च में गांधी मैदान में विशाल जनसभा करने की तैयारी की जा रही है, जिससे क्योंकि आज 77 वर्षों के बाद भी अति पिछड़ा समाज को की बात कोई नहीं सुनता है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात थानों में नहीं सुनी जाती है, हमारी बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, और किसी भी सरकार में अति पिछड़ों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि 2025 में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा का सरकार बने और अगली सरकार बिहार में अति पिछड़ों की बननी चाहिए, इसके लिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा एकजुट हो रहे हैं और उसी संकल्प के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार के 40% अपने भाई, अपने परिवार, अति पिछड़ा परिवार से आग्रह किया जा रहा है कि इस मेमोरियल हॉल को भरने का काम करें और मार्च में गांधी मैदान में ऐसी चट्टानी एकजुटता दिखाएं कि सरकार की चूल्हे हिल जाए और सरकार को अति पिछड़ा के बारे में सोचने के लिए और इनको, इनके कल्याण के लिए जो भी काम करने की आवश्यकता हो वो करें। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए एग्रो सिटी एक्ट लाया जाए, राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, इस तरीके की बहुत सारी मांगे हैं, एक शिक्षा नीति लागू किया जाए, बहुत तरह का डिमांड है जिसको हम लोग आप लोगों को लिखित रूप से देंगे। लेकिन अति पिछड़ा को, जब तक अति पिछड़ों की सरकार बिहार में बनेगी नहीं तब तक अति पिछड़ा का विकास नहीं होगा। पहले से देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से जिन लोगों की सरकारें बनी है उनका सर्वांगीण विकास हुआ है, जैसे पहले फरोड़ों की सरकार बनी थी, उसके बाद आइए तो कोइरी कुर्मी और यादव
इन लोगों की सरकारें बनी तो इन लोगों का ही विकास हुआ। आज हमारी 40% आबादी होने के बावजूद भी हम सरकार में नहीं हैं, और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगली सरकार अति पिछड़ों की बने, क्योंकि जब तक इसकी सरकार नहीं बनेगी तब तक उसका विकास संभव नहीं है। चाहिए है, हम यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारी आबादी 40% है, तो 40% के हिसाब से हमारा 100 विधायक होना चाहिए। आप खुद ही बताइए क्या अति पिछड़ों का यहाँ 25 से ज़्यादा विधायक है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हक भी होना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जितनी आबादी है उसी के हिसाब से हमको आरक्षण दिया जाए, हमको उसी के हिसाब से विधानसभा का टिकट दिया जाए, उसी के हिसाब से हमको लोकसभा का टिकट दिया जाए, और हमारे उसी हिसाब से जनप्रतिनिधियों की गणना की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य क्या है? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं वो 2 दिसंबर 2024 को पूरे बिहार से सारे अति पिछड़ा आ रहे हैं, और अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान का उस दिन हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और उसमें हम लोग पूरे बिहार से अति पिछड़ा को बुलाकर सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब अति पिछड़ा पर जो अत्याचार हो रहा था, जो राजनीतिक रूप से दूरी बना के रखा गया था, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं जनसंख्या के अनुपात में, और हर तरफ से जो हम लोग पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, और अगली सरकार हम लोग अति पिछड़ा के बनाने का प्रयास करेंगे। हमने अत्याचार के एकजुट होकर के एकीकरण महाअभियान का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, और इस चिंतन शिविर में हम लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को प्राथमिकता दिया है। पहला है कि आबादी के हिसाब से अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिले। दूसरा है ओबीसी बिहार के स्तर पर नहीं बल्कि देश के स्तर पर ओबीसी बोला जाता है। बिहार में ओबीसी का पार्ट पिछड़ा और अति पिछड़ा अलग है। बिहार में जातीय जनगणना भी हो गया, पिछड़ा की आबादी 27% है और अति पिछड़ा की आबादी सरकार ने 36 कहा जबकि 40% है। तो हमारा कहना है कि आबादी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का है, ओबीसी के नाम पर अति पिछड़ा हमेशा इसकी हकमारी हो जाती है। तो दूसरा मांग हमारा है कि रोहिणी आयोग जो कमीशन बना है उसने जो रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उस आधार पर पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण किया जाए। तीसरा हमारा है कि अति पिछड़ा जिस तरह से एससी एसटी के लिए कानून है, आयोग है, हरजन एक्ट लगता है कुछ बात होने पर, अत्याचार होने पर, उसी प्रकार से अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। इसके साथ साथ जो भी भूमिहीन है, अति पिछड़ा आवासहीन है, उस 5 डिसमिल जमीन, आवास और जो पारंपरिक रोजगार पेशा है, जो आर्थिक संसाधन का जो माध्यम है हमारा अति पिछड़ा का, आर्थिक सहायता भी सरकार से 25 लाख रुपया तक मिले। इन 5 मांगों को लेकर के पूरे बिहार के अति पिछड़ा के जितनी जातियां हैं, सभी जाति और सभी संगठन के नेता हम लोग एकजुट हैं, और एकजुट होकर के आह्वान किए हैं कि सब मिलकर के अति पिछड़ा 2 तारीख को किशमोरिया लाहौल पटना में आएगा, और बिहार सरकार को, तमाम राजनीतिक दल को, दूसरे समाज को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम ये चुनौती देंगे शोषण और हकमारी से मुक्ति के लिए एकजुट होने का। हम लोगों ने आह्वान किया, अपील किया है, हमारे सारे बड़े भाई जितने भी हैं हर कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज के लिए 20 सालों से 30 सालों से लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन गूंगी बहरी सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार हमेशा वोट लेकर के विभिन्न पार्टियों ने ठगने का काम किया है। जो अति पिछड़ा का सम्मान करेगा वही प्रदेश और देश पर राज करेगा। तो आपने मुकुल आनंद को सुना, साथ ही साथ देखिए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आपने सुना किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं, गरीब शोषित वंचित अति पिछड़ों का शोषण हुआ है चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार वर्तमान में चल रही है और ऐसे में अति पिछड़ों पर ज्यादा अब शोषण हुआ है, साथ ही साथ इससे पूर्व में भी जिनकी भी सरकार रही हो मगर पिछड़ा अति पिछड़ा
पिछड़ते चला गया और शोषण बढ़ता चला गया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कहते नजर आ रहे हैं 40% संख्या पिछड़ा अति पिछड़ा की है, ऐसे में हम पीछे क्यों खड़े रहे। मुख्यमंत्री बनेगा अति पिछड़ा का बेटा बनेगा। आपने सुना है क्या कुछ कह रहे थे मुकुल आनंद बाखूबी इस वीडियो में। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।